ये हैं जो बिडेन, अमेरिकी डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बिडेन एक रैली इवेंट के दौरान बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि सुर्खियों में छा गए। जो बिडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जहरीला बता दिया। उनके भाषण में एक सेकंड भी ऐसा नहीं था जब वो ट्रंप की खिंचाई न कर रहे हो। जो बिडेन ने तो ये तक कह दिया कि ट्रंप ने एक ऐसा अमेरिका बना दिया है जिसे वो नहीं जानते। डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए जो बिडेन ने कहा, आप में से कई लोगों की तरह मैंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ खोया है। एक पत्नी और एक बेटी को एक कार दुर्घटना में खो दिया। मैंने अपने बेटे को कैंसर से खो दिया। लेकिन मैं तब शापित हो जाऊंगा जब मैं अपने देश को हार जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो बिडेन के इन हमलों पर फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि ट्रंप किस तरह से जो बिडेन के इस बयान को हैंडल करते हैं।